सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय ट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल लाइफ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एटीटी क्या होता है। कि सबसे पहले देखते हैं एटीटी का फुल फॉर्म, एंटी टर्मिनेट ट्रीटमेंट। तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। और फिर यहाँ देखते हैं कि ये जो दिख रहा है कि यही है, ये यहाँ पे प्रीमिस के नाम से आता है और ये 5 लीटर का होता है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन, इसमें लिखा हुआ प्री या पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ऑर्डरलेस, डोमिनो इफेक्ट एंड 15 ईयर ऑफ ट्रस्ट। ये तो ये 5 लीटर का आता है। और इसका बेनिफिट क्या है, अब ये देखते हैं कि ये दिया है ATT बिफोर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज गेनिंग पॉपुलरिटी अराउंड द वर्ल्ड। फिर द सॉयल इज डायरेक्टली टच विथ ए बिल्डिंग बिल्डिंग्स फाउंडेशन एंड फ्लोर स्ट्रक्चर इज ट्रीटेड विथ एन स्ट्रक्साइड डेट किल और टर्मिट प्रोवाइडिंग ए पॉइजनस बैरियर डेट प्रिवेंट टर्मिटेड फ्राम इंटरिंग। तो यहाँ पर यह है कि जो भी पॉइजन डाला जाता है, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई भी इसको समझ सकता है कि जो भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु होते हैं उसको मारने के लिए बिफोर द कंस्ट्रक्शन, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जैसे क्या होता है कि हम लोग सॉइल को फुल्ली कंपैक्ट कर लेते हैं। कंपैक्ट करने के बाद जब ये हम लोग का कंपैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग ATT डालते हैं। ATT का मेन रोल यही है कि जो भी बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, जो भी सॉइल के अंदर, तो सॉइल का इरोजन ना हो, उसको रोकने के लिए। तो तब हम लोग इसको डालते हैं, और डालने के बाद तब उसके बाद हम लोग PCC RCC एंड स्ट्रक्चर को ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये फाउंडेशन लेवल के नीचे का होता है कि जो भी सॉइल का इरोजन रोकने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको ATT क्यों डालते हैं, ATT को कहाँ डाला जाता है और किस लिए डाला जाता है। सो इस वीडियो का मोटिव यही था। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में। सो थैंक यू।